हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पोर्ट्रेट बनाई थी भगवान शिव की। ये डार्क पोर्ट्रेट है। डार्क पोर्ट्रेट वो होती हैं जिसमें आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अंधेरा होता है और आधी बॉडी पे भी अंधेरा ही आ रहा होता है फेस पे। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत अंधेरे में खड़े हो और एक थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है आपके ऊपर। ये मेरा पहला पूरा स्केच था जो कलर्ड है। मैं जनरली ब्लैक एंड वाइट ही बनाता हूँ, ग्रेफाइट से या फिर चारकोल पेंसिल से। और कलर्ड पेंसिल्स भी मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ करता हूँ। थोड़ा बहुत मैं कभी कभार कुछ गोल्डन कर दिया या थोड़ा सा ब्लू कर दिया, ऐसे यूज़ करता हूँ जनरली। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा अपना स्केच था। तो इसमें मैंने आईज़ सिर्फ ब्लू की हैं क्योंकि मैं कलर पेंसिल्स बहुत अच्छे से मुझे अभी यूज़ करनी नहीं आती है, आई एम जस्ट बिगनर विद इट। मैंने ये स्केच इसलिए बनाया था कि थोड़ा सा सीखूं, और मैंने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे ट्रायल एरर किए हैं मैंने इसमें, ताकि मेरे को समझ आए कि कलर पेंसिल्स को कैसे यूज़ करना है। फेबर कैसल की ये 24 वाला सेट है, मैंने यूज़ किया है। ये कुछ 200 रुपये का आता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, महंगा भी नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये ब्लेंड बहुत अच्छे से नहीं होती हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन अदरवाइज़ ठीक है। आप स्टार्ट कर रहे हो अगर, और जैसा स्केच मैंने बनाया इस लेवल का बनाने के लिए, तो ये ठीक पेंसिल्स हैं। आप लोग वीडियोस देखते होंगे कलर पेंसिल्स वाले, तो वो लोग इजीली ब्लेंड करते हैं, कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर रहे होते हैं, ब्लेंडिंग स्टम्प्स से कर रहे होते हैं, तो वो वाला ब्लेंडिंग इससे नहीं हो पाएगी। ये पेंसिल्स ब्लेंड नहीं होती हैं इजीली, वो पेंसिल्स महंगी ही इसलिए हैं क्योंकि दे आर ब्लेंडेबल। मैं यार स्केच स्टार्ट करता हूँ ग्रिड बना के ही, चाहे आइडेंटिकल हो चाहे आइडेंटिकल ना बनानी हो, मुझे ग्रिड्स से ही बनाना अच्छा लगता है क्योंकि उससे किसी भी तरह की आप गलतियां एलिमिनेट कर सकते हो। आप बेसिक जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने अगर वो गलत हो गया और फिर आप उसमें कलरिंग स्टार्ट कर दी या स्केचिंग स्टार्ट कर दी, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो आपका बेस अच्छा होना चाहिए, उसके लिए ग्रिड बहुत ज़रूरी लगती है मुझे। मैंने क्या किया हुआ है कि हर बार पेपर पे ना बनाने की जगह मैंने अपने बोर्ड पे, ड्राइंग बोर्ड पे ही बना लिया एक ही बार। तो ये मेरे 2 सेंटीमीटर की गैप्स पे मैं बॉक्सेस बनाता हूँ, 2x2 के हैं ये, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो मैं शीट जो ये डार्क वाली आउटलाइन है, मैं शीट यहाँ पे रखता हूँ, चारों तरफ टेप मारता हूँ, और उसके बाद इनसे डायरेक्ट लाइन खींच सकता हूँ। आगे तक मैंने खींची हुई है ताकि मैं बस स्केल रखूँ और खींच दूँ, तो मुझे ईजी पड़ता है हर बार। वरना हर बार यहाँ पे मैं मार्क्स लगाऊंगा, 2-2 सेंटीमीटर ऊपर लगाऊंगा नीचे लगाऊंगा, फिर मैच करूंगा, फिर इस साइड फिर उस साइड, तो एक तो ये काम बहुत बोरिंग सा है, बट ज़रूरी है, करना है, तो एक इजी वे आउट मुझे ये समझ आता है उसका। मैं एक्चुअली भगवान शिव की पोर्ट्रेट बनाना चाह रहा था, तो मैं ऐसे ही जनरली सर्च कर रहा था गूगल पे फ़ोटोज़, तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फ़ोटो दिखी डार्क टाइप की। मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है डार्क पोर्ट्रेट्स बनाना, तो इसमें मुझे बड़ा अच्छा सा लगा और ब्लू सा था, तो मुझे लगा स्किन कलर नहीं है। एक तो कलर पेंसिल में स्किन कलर लाना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, तो वही एलिमिनेट हो गया था। तो मैंने कहा ब्लू ही तो करना है, तो ट्राई कर लेते हैं। कलर्ड बड़ा अच्छा लग रहा था वो, लेकिन उसके साथ इशू ये था कि वो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड है। तो जैसे मैं ये आप देख रहे हो, बहुत ही ब्लर्ड सी इमेज है। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग फ़ोटोज़ से रेफरेंस लिया। बॉडी के लिए मैंने अलग फ़ोटो ली। इनिशियली मैंने ट्राई किया कि मैं इसका फेस भी बनाऊंगा, तो मैंने फेस के लिए भी एक अलग रेफरेंस ली। बाल उसमें बिल्कुल ब्लर थे, तो मैंने एक शिव जी की दूसरी एक फ़ोटो ली उससे, कि बाल देख के कि उससे थोड़ा सा आइडिया लेके उसको उस तरह से बनाने के लिए। तो क्या होता है जब कलरिंग आप करते हो नॉर्मल स्केचिंग में, तो आपको सिर्फ स्केचेस स्केच पे एक ही डायरेक्शन में जैसे स्केच करते हैं, कलर पेंसिल्स में एक डायरेक्शन में करने से काम नहीं चलता है। इसमें क्या करोगे, आप एक बार इस तरह से जब आप स्केच कर रहे हो, अगली बार ऐसे करोगे, लेयर्स करनी होती हैं बेसिकली। जितने ये पेंसिल्स में तो 3 या 4 लेयर्स इजीली लगती हैं, तभी जाके आपको कलर आएगा, ये गैप फिल होएगा। और ब्लेंड जब करोगे आप, ब्लेंडिंग स्टम्प से कर लो या उस वाइट पेंसिल जो होती है उससे कर लो, तो ब्लेंड तब जाके अच्छा होगा, ये गैप्स फिल हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो वही है, इसमें प्रेशर मैंने अप्लाई नहीं किया था। कई बार मैंने गलतियां करी ये करने में, तो मैंने प्रेशर अप्लाई नहीं किया था, तो इरेज हो जाता है इजीली। ये वाली इरेज़र मैंने यूज़ करी थी, अप्सरा की मकैनो है इरेज़र, ये वाली यूज़ की मैंने बहुत ज़्यादा स्केच में। मेरे पास टॉम्बो भी है,
ओनो ज़ीरो, जो ये आई थिंक ये 250 रुपये की आती है और ये सिर्फ 30-40 रुपये की आती है। डिफरेंस दोनों में यही है कि इसकी इसकी जो टिप है वो बहुत मोटी होती है इरेज़र, इसकी पतली है, तो ये हाइलाइट्स वगैरह करने में और कहीं पे बहुत फाइन आपको कुछ इरेज करना है, हल्का सा शाइन डालनी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। लेकिन स्केच के लिए हमें कुछ भी ऐसा था नहीं है सच, और तो प्रेशर भी अप्लाई करना है तो ये हार्ड होती है इरेज़र थोड़ी सी, तो ये प्रेशर अप्लाई करने में इरेज़ कर देती है। अच्छा, तो मैंने यही यूज़ करी है मेजॉरिटी तो स्केच में, क्योंकि कई बार मैंने ड्रॉ किया कलर पेंसिल्स, और आप कलर पेंसिल्स में मेजर कंसर्न है कि आपने अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया है उसमें एक बार और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है तो वो इरेज़ नहीं होगा इजीली। अदरवाइज़ आपने 3-4 लेयर 5 लेयर चाहे 5 लेयर में भी मैंने की थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने प्रेशर अप्लाई नहीं किया था तो मैं उसे इरेज़ कर पाया था। मैंने नीडेड इरेज़र भी यूज़ करके देखा, ट्राई किया, इससे भी बहुत 1-2 लेयर तक तो ये काम करता है, उसके बाद नीडेड इरेज़र काम नहीं करेगा, उसके बाद आपको हार्ड इरेज़र ही चाहिए होगी। आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल आप इरेज़र यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इरेज़र को काट लो शेप में, शार्प सा काट लो क्योंकि पतला एरिया है, तो शार्प सा करके आप उससे काट सकते और यूज़ कर सकते हो। और कुछ भी अगर आपको ब्लैक करना है, कलर पेंसिल्स आपने बहुत सारी लेयरिंग कर दी उसके बाद आपको उस पर ब्लैक चलाना है, तो आपकी ग्रेफाइट काम नहीं करेगी, ना ही आपका चारकोल काम करेगा। तो इस केस में या तो आपके पास ब्लैक कलर पेंसिल ही होनी चाहिए, वो काम करेगी, या फिर स्टेडलर की मार्स लूनोग्राफ ब्लैक पेंसिल है, 8B है ये मेरे पास, ये काम करती है, ये बहुत अच्छे से चल रही थी कलर पेंसिल्स पे। ये मिस टेडलर की जो नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं, मैं जनरली ग्रेफाइट में यही यूज़ करता हूँ, और इसी की ब्लैक आती हैं, तो ये आप ले सकते हो, थोड़ी सी महंगी आती है, शायद 50-60 रुपये की एक पेंसिल आती है, लेकिन वर्थ इट है, बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छे से काम करती है ये कलर्ड पेंसिल्स पे। चारकोल पाउडर जो मैं बता रहा था, आपने वीडियो में देखा होगा मैं इसमें से पाउडर डाल के यूज़ कर रहा था, तो इसमें एक्चुअली चारकोल स्टिक्स जो होती हैं 20-30 रुपये की चौक जैसी होती हैं, अभी मेरे पास नहीं है, कैमलिन की ही आती हैं आई गेस, तो उनको ईजिली सॉफ्ट होती है वो, उसको आप पाउडर कर लो और उसको आप यूज़ कर सकते हो ईजिली। ये क्योंकि इसमें एकदम पिच डार्क आपका बैकग्राउंड है पूरा, सबको बहुत ज़्यादा एरिया ब्लैक करना था और पिच डार्क था एकदम, तो इसको करने के लिए बेस्ट ऑप्शन चारकोल पाउडर ही था। आप ग्रेफाइट से करोगे बहुत ज़्यादा शाइन आएगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा उसमें, और कुछ पेंसिल से चारकोल पेंसिल से करोगे तो भी ब्लेंड करोगे तो थोड़ा ग्रेनी ग्रेनी सा दिखता, उतना ज़्यादा जो पिच डार्क जो ब्लैक इसमें अभी आपको दिख रहा है उतना नहीं दिखता है उससे, तो ये बेस्ट है और ईजी है एकदम। आप कहीं भी डालोगे, थोड़ा सा डालो, कॉटन लो थोड़ी सी और पूरे में ऐसे गोल 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 करते सीधे करते हुए आप यूज़ कर सकते हो। कहीं जो एजेस हैं जहाँ पे, वहाँ पर करने के लिए आप ब्रश का यूज़ करो, ब्रश को थोड़ा सा पाउडर लगाओ आगे टिप पे और उससे एजेस पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कुछ बच जाए तो आप चारकोल पेंसिल्स यूज़ कर लो, अदरवाइज़ चारकोल नहीं चल रही क्योंकि इस पर आ गई है, कलर पेंसिल पर आ गई है, तो आप अपना बेस्ट है लूनोमार्स एकदम फाइन आपको एज दिखाने हैं तो उसको दिखा सकते हो। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर डार्क स्केच बना, डार्क पोर्ट्रेट अगर आप बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पूरा कवर करोगे, बॉडी को एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाओगे ताकि आप जब ब्लैक करो उसको तो वो ब्लेंड हो जाए। मैंने जो इनिशियल बनाया है, मैंने बॉडी यहाँ तक बनाई थी, एब्स यहाँ तक थी, चेस्ट इधर तक था, थोड़ा सा ये सांप भी आगे तक बना हुआ है, फेस पूरा बनाया था, पहले मैंने फेस पूरा बनाया था, मैंने सोचा था कि फेस भी मैं कवर करूँगा पूरा अच्छे से दिखेगा, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था कि आधी बॉडी पे तो भाई बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही है लेकिन फेस पे अंधेरा नहीं आ रहा है, तो वो मैच नहीं कर रहा था। ऐसा मत सोचना कि यार इतना ही तो दिखेगा, इतना बना दूँ अदरवाइज़ ब्लेंड नहीं होगा, ऐसा लगेगा हार्ड आपने एकदम से वहाँ पे इतना ब्लैक है जैसे इस साइड लग रहा है एकदम से ब्लैक, यहाँ क्योंकि बॉडी ऐसी होनी चाहिए इसलिए अच्छा लग रहा है, यहाँ पे वो आपको बहुत अजीब लगता, ऐसा लगता बस उठा के इतना सा पोर्शन आपने रख दिया। और कुछ आपको जानना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, बाकी इसकी पूरी टाइम लैप्स वीडियो मैंने एक अलग से डाली हुई है, लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे उसका दे दूंगा तो आप उसको देख सकते हो, वहाँ पे पूरा प्रोसेस है, उससे देख के आप सीख भी सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप ड्रॉ कर सकते हो। टाइम लैप्स मैंने थोड़ा लंबा रखा है ताकि क्योंकि जल्दी स्पीड से दिखाने के चक्कर में वो आप वीडियो तो दिख जाती है, अच्छी भी लगती है कि जल्दी जल्दी बन गया, लेकिन पता नहीं चलता कि क्या किया एक्चुअली,
तो इस वीडियो में एक एक स्टेप आपको धीरे धीरे करके पूरा मिलेगा, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम।